सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ओके ओके प्रेस करना है। जैसे ही ये फाइल खुलती है तो फाइल में आपको ये सारे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इन्हें एक तरफ करना है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक नए लोगो रिवील के साथ हाजिर हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ओके ओके प्रेस करना है। जैसे ही ये फाइल खुलती है तो फाइल में आपको ये सारे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं इन्हें एक तरफ करना है। और नोटिफिकेशन को एक तरफ करने के बाद तो आपने एडिट हेयर पर क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपको अपना लोगो इंपोर्ट करना है। और उसके बाद हम आएंगे लोगो टेक्स्ट एडिट पर, तो अपना लोगो उठाएंगे और इस कंपोजिशन में ड्रैग करेंगे। तो हम इसे स्केल करेंगे एस प्रेस करके, और जैसे स्केल होगा तो हम इसका ओरिजिनल लोगो उसे हम ख़त्म कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। तो देखिए हमारा लोगो रेडी है, काफ़ी इजी है। तो हम कंट्रोल पर क्लिक कर रहे हैं, यानी कि हम इसके कंट्रोल चेक करेंगे। तो विंडो में जाकर इफेक्ट कंट्रोल पर क्लिक किया, यहाँ पर वाइट कलर दिया हुआ है, तो हम इसे वाइट से हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर आप सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ों के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसी से ही आप सीखते हैं। तो मैं कलर चेंज करूंगा। किसी भी डिजाइन का पीएनजी लोगो हो वो आप इसमें बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको इस वीडियो से कोई फायदा मिलता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो कलर आपको सही लग रहा है वो कलर आप सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा तेज करता हूँ। तो ये आखिरी जो कंपोजिशन है इसे मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे काम की नहीं थी तो मैंने उसे बंद कर दिया। अब ये जो लोगो रिवील लिखा हुआ है हम इसे चेंज करेंगे। याद रखिए आपको रेंडरिंग के लिए ग्राफिक कार्ड लाजमी चाहिए। तब अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ तो आपको थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा छोटी छोटी क्लिप्स के लिए भी। तो स्लोगन चेंज करने के लिए आपको स्लोगन एडिट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर नीचे टाइप करना होगा जो आपको टाइप करना है, जो भी आपका स्लोगन है। और फिर आप उसका कलर जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो मैंने वाइट रखा हुआ है तो मैं वाइट रखूंगा, लेकिन फिलहाल आपको चेक कराने के लिए मैंने ये रंग डाला है। तो जैसे ये तैयार होता है तो हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे मीडिया एनकोडर के जरिए। मीडिया इनकोडर इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसकी MB थोड़ी कम पड़ती है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिलती है, और रेंडर क्यूब करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा MB होती है। जैसे ही रेंडर होगा आप इसका आउटपुट देखेंगे।